Hello everyone! Welcome in e-Learning classes. So children, today, in this video, we will discuss about the second part of our chapter number eight in geography, that is the natural vegetation and wildlife. In our last video, in part first, i have already discussed and have explained you what are the main types of forest and vegetation now in this part in second part we will know what are grasslands what are the main types of grasslands tropical grasslands temperate grasslands we will also discuss about the shrubs desert vegetation and tundra vegetation rest about wildlife जहां पर वेजिटेशन में ट्रीज से ज्यादा ग्रासेस पाई जाती है तो दो आर द ग्रासलैंड ग्रासलैंड ऑकर इन इन्वॉमेंट्स कन्विक टू द ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट कवर बट नॉट टू दैट ऑफ टॉलर प्लांट पर्टिकुलरली ट्रीज एंड श्रब्स बेटा ग्रासलैंड वो एरियाज होते हैं जहां कई एकड़ और कई दूर दूर तक के वेजिटेशन में आपको ग्रासेस ही दिखाई देंगी वहां पर ट्रीज बहुत ही ना के बराबर होती हैं या श्रब्स जो झाड़ियां होती हैं वो भी बहुत ही ना के बराबर होती हैं तो एक्चुअली आर फॉर यूज यूज ये ह्यूमन कर रहा है तो दीज ग्रास आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड ग्रासलैंड गो बाय मेनी नेम्स बहुत अलग अलग नाम है ग्रासलैंड के लाइक इन यूएस मिड वे वेस्ट दीज आर कॉल्ड लाइक प्रेयरीज सवाना पेम्पस लानोज तो ये कहां कहां पर क्या क्या बुलाए जाते हैं इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स इन आर नेक्स्ट स्लाइड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स बेटर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर आल्सो कॉल्ड सवाना एंड these are found on either side of the equatorial region in africa, part of brazilian plateau, deccan plateau of india, and northern australian area. these grasslands are known by different names in different parts of the world. we will discuss <laughs> about its different names also. so these names are such as parkland in america, llanos in venezuela, and

टेम्परेचर हमारे अर्थ का अलग अलग होता है तो ग्रासलैंड्स उस एरिया में उगते हैं जहां पर या तो मॉइस्चर इतना ज्यादा नहीं होता कि लंबे लंबे पेड़ पौधे उग पाए ना ही इतना कम होता है कि डेजर्ट बन जाए तो जो बीच का मौसम होता है जहां पर या फिर जो बीच का आपका वेजिटेशन uh, होता है दैट इज ग्रासलैंड क्योंकि वो वो रीजन जहां पर ना ही इतना ज्यादा मॉइस्चर या पानी हो कि बहुत ज्यादा लंबे पेड़ पौधे या घने पेड़ पौधे उग जाएं, या ना ही इतना कम पानी हो कि या इतना कम मॉइस्चर हो कि वहां डेजर्ट बन जाए तो उस एरिया में क्या बन पाता है ग्रासलैंड बन पाते हैं तो दीज ग्रासलैंड आर द रिजल्ट ऑफ दिस एंड ग्रासेस अबाउट टू मीटर टू फोर मीटर इन हाइट विथ स्कैटर ट्रीज होते हैं इनमें बट दे आर स्कैट बहुत ही दूर दूर होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंडा ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ये मेनली हमारे ग्रेजिंग के लिए और फार्मिंग के लिए भी यूज होते हैं ठीक है ग्रासलैंड है लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल वो ग्रासलैंड जहां पर मॉइस्चर धीरे धीरे बहुत ही कम होता चला जाता है वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं डेजर्ट्स बन जाते हैं बट दीज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर मेनली यूज फॉर वॉट दे आर मेनली यूज फॉर स्पेशली फार्मिंग एंड ग्रेजिंग नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रासलैंड इज टेम्परेट ग्रासलैंड

एंड द शॉर्ट ग्रासेस ग्रो एवरीवियर दीज ग्रासलैंडल एंड शीप रेयरिंग जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यूज फॉर फार्मिंग ऑल्सो फार्मिंग के साथ साथ क्या होता है ग्रेजिंग भी होती है बट टेम्परेट ग्रासलैंड आर मेनली यूज फॉर ओनली कैटल रेयरिंग एंड शीप रेयरिंग एंड इन मेनी एरियाज एक्सटेंसिव फार्मिंग आर ऑल्सो डन ह यहां पर फार्मिंग बहुत ज्यादा नहीं होती अगर होती है भी है तो दे आर ऑफ एक्सटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग ठीक है सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज श्रब्स श्रब्स चिल्ड्रन आर अ शॉर्ट टाइप ऑफ बुशेज श्रब्स एनी वुडी प्लांट्स दैट हैज सेवरल स्टीम्स ठीक है वो प्लांट्स जिनमें बहुत सारे स्टीम्स होते हैं एंड नॉन डोमिनेटेड इन यूजली लेस देन थ्री मीटर टेन फीट मतलब जो थ्री मीटर टेन फीट के आसपास टॉल होते हैं बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते हैं पतले होते हैं एंड uh, जिसको हम बोलते हैं झाड़ियां तो दीज टाइप ऑफ श्रब्स कहाँ पाए जाते हैं एक्चुअली श्रब्स आर शॉर्ट बुशी प्लांट्स विच ग्रो इन एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड एरियाज जहां बहुत ज्यादा या तो गर्मी होती है या बहुत ज्यादा ठंड होती है इन दो एरिया ऐसा होता क्यों है बिकॉज जो मॉइस्चर इनको मिलता है दीज मॉइस्चर आर सुटेबल फॉर देयर ग्रोथ ये किसी भी लंबे ट्री का शेप नहीं ले पाते हैं और ग्रासेस भी नहीं बन पाते इतना भी कम मॉइस्चर नहीं होता कि ग्रास बने या इतना भी ज्यादा मॉइस्चर नहीं होता कि ये ट्रीज बन जाएं तो अकॉर्डिंग टू द मॉइस्चर दे आर श्रब्स एंड दीज टाइप ऑफ श्रब्स आर फाउंड मेनली इन डेजर्ट रीजन मेनली इनरा वेजिटेशन तो इन दोनों के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे ठीक है सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स आर कैटोन लेमन तुलसी रोज जास्मिन ठीक है तो दे आर इंपॉर्टेंट श्रब्स नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज डेजर्ट वेजिटेशन So, children desert typically have a plant cover that is sparse but enormously diverse. Actually, desert vegetation are hot and dry deserts are found in the tropical and subtropical regions. They are located on the western margin of the continent. Better the tropical deserts are known for very high temperatures and extremely low rainfall. देखो डेजर्ट जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं डेजर्ट का मतलब होता है हिंदी में निर्जन निर्जन मतलब वो जगह जहां पर लोग नहीं रहते लेकिन डेजर्ट में भी लोग रहते हैं बट लोग रहते हैं बट बहुत ही कम एक्चुअली डेजर्ट आर ऑफ टू टाइप्स हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट दिस इज द हॉट डेजर्ट अबाउट विच आई एम एक्सप्लेनिंग यू ठीक है These टाइप ऑफ deserts आर स्पेशली फाउंड इन ऑल कॉन्टिनेंट हमारा जो अंटार्क्टिका है दैट इज कोल्ड डेजर्ट ठीक है तो लगभग हमारे हर कॉन्टिनेंट में डेजर्ट पाया जाता है बट दैट डेजर्ट इज डिफरेंट टाइप जनरली श्रब्स और श्रब्स कहाँ पाए जाते हैं स्पेशली इन दैट एरिया जहां पर या तो गर्मी बहुत ज्यादा हो या ठंड बहुत ज्यादा हो तो इन एरियाज में क्या होता है ये एरियाज या कोल्ड डेजर्ट होते हैं हॉट डेजर्ट होते हैं तो यहाँ क्या पाया जाता है मोस्ट ऑफ ऑल स्ट पाए जाते हैं इन दीज एरिया क्या होते हैं इन दीज एरिया कभी कभी ऐसा होता है कि, कि किसी किसी पैच में वॉटर लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है तो कुछ प्लांट्स अपने आप उग जाते हैं जैसे पाम ट्री को ये जो आप इसमें जो इमेज देख रहे हो लाइक पाम वगैरह ट्रीज जो होते हैं ये अपने आप डेट एंड पाम ये ट्रीज़ जो होते हैं ये अपने आप उग जाते हैं तो ये थोड़ी सी हाइट तक तो जाते हैं बट दे अ गुड हाइट एंड नॉट अ गुड थिकनेस ऑल्सो इनमें जो वेजिटेशन पाई जाती है ये इनमें थिकनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है These type of vegetations are found in patches. में पाए जाने वाला जो वेजिटेशन होता है दे पैचेस एंड डेजर्ट इन वो इनवॉमेंट ऑल्सो आर वेरी ड्राई एंड दे सपोर्ट ओनली एक्सट्रीमली स्पैस वेजिटेशन मतलब आपको जो वेजिटेशन यहाँ मिलेगा वो दूर दूर मिलेगा थिक एंड नहीं मिलेगा ट्रीज आर हर्बिकल लाइक प्लांट्स दे प्रोवाइड ओनली वेरी इनकम्प्लीट ग्राउंड कवर मतलब जो इसका ग्राउंड होता है ये पूरी तरह से डेंस कवर्ड नहीं होता फॉरेस्ट की तरह दैट इज वाई दे आर कॉल्ड द डेजर्ट वेजिटेशन

विद वेरी हार्श क्लाइमेट वेरी ड्राई क्लाइमेट यहाँ पर ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है वो शॉर्ट होते हैं बट समर्सोल समर्स का मौसम जो होता है वो भी यहाँ पर कूल होता है ठंडा ही होता है ठीक है एंड विंटर्स आर वेरी मच कोल्ड दैट्स वाई विंटर के टाइम पर तो यहाँ पर वेजिटेशन बहुत ही कम पाया जाता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मॉइस्चर एंड प्रेजेंस ऑफ अ लॉट ऑफ ड्राइनेस बट जो समर का मौसम होता है इसमें थोड़ा बहुत आपका वेजिटेशन पाया जाता है बट जो आसपास का इन्वामेंट होता है दैट इज आल्सो कूल दिस रीजन इज फेयरली ड्राई एंड इज कॉल्ड द कोल्ड पोलर डेजर्ट आल्सो। बेटा वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो हेयर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर शॉर्ट एंड ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड बहुत ही छोटे छोटे जमीन से बस थोड़े से ही ऊंचे हो पाते हैं और ज्यादा ड्राइनेस की वजह से ज्यादा ऊंचे नहीं हो पाते इवन द द ट्रीज आर आर फाउंड इन ऑफ लेक एंड स्ट्रीम्स शॉर्ट बहुत ही छोटे पेड़ पौधे होते हैं और जो पाए भी जाते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं एंड इनमें जो बुशेस होते हैं वो ज्यादातर पाए जाते हैं इन तुंड्रा वेजिटेशन वन मोर थिंग मोस्टली यहाँ पर पैचेस में वेजिटेशन पाए जाते हैं ओके okay? Well, children, I hope this video will be useful for you and you all are using this video for your studies. Okay? Thank you.